ऑर्मेक्स की इस हफ्ते की लिस्ट में क्या बदलाव हुआ है, टॉप फाइव में क्या फेरबदल हुआ है, कौन कौन सी पोजीशन पर है, मैं हिना कुमावत फिल्म विंडो पे आपको बताऊंगी। तो ऑर्मेक्स की हर हफ्ते की लिस्ट पर सभी की नजर रहती है कि कौन किस नंबर पर आया। तो पहले मैं आपको बता देती हूँ कि पिछले हफ्ते नंबर वन पर तेजस्वी थी, दो पर करण, तीसरे पर शमिता, चौथे पर उमर रियाज और पांचवें पर प्रतीक सहजपाल। इस हफ्ते की लिस्ट भी सामने आ चुकी है और इस हफ्ते की लिस्ट की मैं बात करूं तो फेरबदल जो है वो सिर्फ और सिर्फ टॉप टू की पोजीशन में हुआ है। जहां तेजस्वी नंबर वन पर थी, अब करण कुंद्रा नंबर वन पर पहुंच चुके हैं और तेजस्वी एक बार फिर से नंबर टू पर, शमिता नंबर तीन पर, चार नंबर पर उमर रियाज, पांचवें पर प्रतीक सहजपाल। तो बाकी रैंकिंग सेम ही है, प्रतीक से ऊपर जो है उमर है जिसके गेम को लोग पसंद कर रहे हैं, तीसरे नंबर पर शमिता है, पहले नंबर पर करण और दूसरे पे तेजस्वी। ये बात तय है कि जब तक फिनाले तक टॉप टू की पोजीशन में करण और तेजस्वी जो है वो बरकरार रहने वाले हैं। जिस तरीके से घर के अंदर उनका गेम है, जिस तरीके से दोनों के इर्द गिर्द पूरा गेम घूमता हुआ नजर आ रहा है, उससे एक बात तय है कि टॉप टू की पोजीशन से इनको कोई नहीं हिला सकता। कभी तेजस्वी नंबर वन पर होंगी तो कभी करण नंबर वन पर होंगे, लेकिन उमर रियाज प्रतीक को पीछे छोड़ चुके हैं। हालांकि शुरुआत में प्रतीक जो है, उमर का नाम जो है टॉप फाइव में आ भी नहीं रहा था, लेकिन पिछले दो हफ्तों से लगातार ऐसा है कि उमर रियाज का नाम जो है टॉप फाइव में शामिल हुआ है और शमिता नंबर तीन पर बरकरार है। तो एक बात तो तय है कि अब जब आधा सीजन खत्म होने वाला है या हो गया है मैं कहूंगी, तो ऐसे में करण नंबर वन, तेजस्वी नंबर दो, नंबर तीन पर शमिता, चार पर उमर और पांचवें नंबर पर प्रतीक सहजपाल बने हुए हैं। क्या आप इस रैंकिंग से सहमत हैं? क्या आपको लगता है कि आपके भी टॉप फाइव यही है? कमेंट जरूर कीजिएगा।